डिप्टी मेयर ने सीएम खट्टर को ठहराया भाई की मौत का जिम्मेदार, किए अहम खुलासे। ब्यूरो चीफ करनाल तिलक राज बंसल, सीएम सिटी के डिप्टी मेयर मनोज बधवा के भाई भरत बधवा के आत्महत्या का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। मनोज बधवा ने इस पूरी घटना का दोषी सीएम मनोहर लाल खट्टर को बताते हुए जमकर हमला बोला। डिप्टी मेयर ने कहा कि मैंने सीएम के खिलाफ विधानसभा में चुनाव लड़ा था, जिसके कारण राजनीतिक साजिश के तहत मुझे और मेरे परिवार को फंसाया गया। पुलिस ने मेरे भाई को इतना प्रताड़ित किया कि मजबूरन उसने नहर में कूद कर अपनी जान दे दी। यह सब कुछ सीएम के संरक्षण में हो रहा है, जिसके कारण ही अब तक एक दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। डिप्टी मेयर द्वारा सीएम पर यह आरोप लगाए जाने के बाद से यहां के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। दिसंबर 2016 में नोटबंदी के दौरान तरावड़ी में 16,42,000 रुपए पकड़े जाने का मामला सामने आया था। तत्कालीन तरावड़ी थाना प्रभारी जसमेर सिंह के मुताबिक पुलिस ने तरावड़ी के बाढ़ 12 डरावली निवासी मोहित को हिरासत में ले उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 16,42,000 रुपए की राशि बरामद हुई। पूछताछ में उसने बताया कि वह करनाल में JSM प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर काम करता है। यह सारा पैसा उसी फर्म का है। यह फर्म डिप्टी मेयर मनोज बधवा के परिवार का है। बाद में जिस फर्म के अकाउंटेंट से रुपए बरामद हुए थे वह पुलिस अधीक्षक करनाल के सामने पेश हो गया और उसने बताया कि यह रकम फर्म की है। इसकी कीमत 16,42,000 रुपए नहीं बल्कि 70,00,000 रुपए है। इस संबंध में तरावड़ी थाना प्रभारी जसमेर गुलिया सहित 3 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। जाँच की कार्यवाही करने वाले DSP का बयान है कि राशि ज्यादा थी लेकिन पुलिस अधिकारियों ने मिली भगत पर कम दिखाई। वहीं डिप्टी मेयर मनोज बधवा और उनके पिता का दावा है कि यह रकम 16,42,000 रुपए ही थी। पुलिस ने जानबूझकर ज्यादा रकम दिखाने की कोशिश की। पुलिस ने इस मामले में डिप्टी मेयर मनोज बधवा के पिता राधेश्याम व अकाउंटेंट सहित एक दर्जन से ज्यादा लोग आरोपी बनाए और पूछताछ शुरू कर दी। मनोज बधवा का आरोप है कि पुलिस की थर्ड डिग्री से डर कर उनके भाई भरत ने सुसाइड कर लिया।